हमारा प्रोग्राम है। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलो वही पूछ करे भाई, चलो पूछ करो। आज पूरा हुआ शिक्षक साहब, पूरा शिक्षक आज फिर बैठे। धन्यवाद बहुत जोर, धन्यवाद सभी साथियों का। सब बोलेंगे, सब बोलेंगे। मातृशक्ति जो हमारी शिक्षिका बहने हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन कि आप यहाँ प्रथम पंक्ति की सभा बनेंगे, प्रथम पंक्ति में आप स्थान ग्रहण करेंगे, तो निश्चित मान के चलिए यू ही कुचले जाएंगे, यू ही दबाए जाएंगे। ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक मंत्री, बिना निवेदन ध्यान दें, उपस्थिति अभी न करवाएं। ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक मंत्री, बिना निवेदन अभी उपस्थिति न करवाएं। जैसा कि निर्देश माननीय मंत्री जी के द्वारा यहाँ पर से दिया गया था। अच्छा, हाँ, बुद्धि प्रसाद भट जी। साथियों, बहुत ही उत्साहित करने वाली ये संख्या है। निश्चित रूप से मैंने जैसा सुबह ही कहा था, जब यहाँ पर हम कुछ लोग 50 की संख्या में, जब मैंने तभी कहा था कि ये पांडाल भी कम पड़ेगा, ये प्रांगण भी कम पड़ेगा। और निश्चित रूप से जो हमारी पीड़ा है, जो तीस है, जिस तीस के साथ, जिस पीड़ा के साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं, निश्चित रूप से सरकार को झुकना होगा। सरकार को ये प्रधानाचार्य सीधी भर्ती कैंसिल करनी होगी, निरस्त करना होगा इसे। और यही हमारी अंतिम मांग है, आज की जो एक सूत्री हमारी मांग है कि प्रधानाचार्य सीधी भर्ती निरस्त होगी और पदोन्नति के माध्यम से ही सारे प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य के पद भरे जाएंगे। और निश्चित रूप से विश्वास रखिए साथियों कि आज शाम तक, जैसा कि हमारे जनपद अध्यक्ष जी ने कहा कि शाम तक निश्चित रूप से कुछ सब संदेश हमारे पास होगा। और निश्चित रूप से संदेश तभी जाएगा जब हम संगठित रहेंगे, हमारा जो संख्या बल है, इसका जो संदेश है वो सरकार के तक जाएगा, हमारी जो आवाज है वो हमारी मंच की आवाज सरकारों को सुननी होगी। मंच क्या कह रहा है, मंच के जनभावनाओं के आधार पर सरकार को निर्णय लेना है। और ये जो सीधी भर्ती आपने नाम दे करके शिक्षकों को छलने का काम किया है, उसको निरस्त करना होगा। साथियों, शिक्षक हमेशा ठगा गया है। पहले अधिकारी हम लोग बनते थे और हम निदेशक के पदों को सुशोभित करते थे, हमें वहां पर बात दिया गया। और आज प्रधानाचार्य के नाम पर 600 टीचरों को हमसे अलग करने की कोशिश की जा रही है। निश्चित ही मैं उन क्रांतिकारी साथियों का भी इस मंच के माध्यम से सादर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने इस परीक्षा को त्यागने का मन बनाया है। मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनकी इच्छा शक्ति को नमन करता हूं। और निश्चित ही ये आवाज सरकार तक पहुंच रही होगी कि शिक्षक एकत्र हुए हैं। और ये एकता की आवाज कल आप लोगों ने देखा होगा, धन सिंह जी की कुर्सी डोलने वाली है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने तत्काल बैठक बुलाई, आपने काली पट्टी लगा करके जनपद के शिक्षकों ने जो एकता दिखाई, मैं उन तमाम विद्यालयों के शिक्षकों को, जनपद कार्यकारिणी को और उनके ब्लॉक अध्यक्ष, निश्चित ही इस काम को जो करते हैं ब्लॉक अध्यक्ष, एक ऐसा मैंने देखा है ब्लॉक अध्यक्ष एक ऐसा क्रांतिकारी साथी होता है जो उस ब्लॉक को एकत्र करने का काम करता है। मैं उन तमाम नौ ब्लॉकों के अध्यक्ष और मंत्रियों को साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपकी शक्ति से कल पूरे सोशल मीडिया पर काली पट्टी का विरोध चला। 2 तारीख को आपने चौक दान की और उसका परिणाम है कि आज सरकार आपको वार्ता के लिए बुला रही है। आप लोगों ने पहले भी आंदोलन किए हैं, उन आंदोलनों की बदौलत आपको बहुत कुछ मिला है। शिक्षकों का सम्मान झुकने नहीं देंगे। और उसके लिए जो क्रांतिकारी साथी आगे प्रांत कार्यकारिणी पर लगे हुए हैं, मैं उनको साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक धीरे की समस्या थी, हम हर समय परेशान होते थे, आपने उसको निराकरण करवाया।